तो दोस्तों आज आप बताते हैं कि देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा, ठीक है। इसका फार्मूला जो होता है इंग्लिश में हम बता रहे हैं पी बटा एच, ठीक है, बी बटा एच, पी बटा बी, एच बटा पी और एच बटा बी और बी बटा पी, ठीक है। ये इसको आप शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हैं, आपको ये चीज दिमाग, ये सारा कुछ है आपके एक साथ दिमाग में आना चाहिए। कैसे देखिए याद करने का तरीका है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, सीधा बोलिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, कम से कम आप जो है ना एक मिनट में कम से कम 10 से 12 बार बोल लीजिए, ठीक है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, तो ऑटोमेटिक आप दिमाग में सेट हो जाएगा। दिमाग में जब सेट हो जाएगा तो फिर आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगा। आप याद कीजिए ना, सीधा याद कीजिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, बस हो गया साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, हो गया। इसको आप दिन भर में या दो दिन में तीन दिन में जितना दिन में याद हो इसको याद करना ही है, तो आप एकदम मतलब कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, जैसे मैं कभी भूल नहीं दे रहे हैं, भूलना का सवाल ही नहीं है। तो इस तरह कैसे याद कर लीजिए आप, ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, ठीक है। तो इस और क्या, ये तीन ही मतलब मिल लिया, ये तीनों किसी का उल्टा, ठीक है। जैसे ये साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक, ठीक, और सेक कोस का उल्टा हो जाता है सेक, ठीक, और उसका टेन का उल्टा हो जाता है कोट। अगर आप मेनली ये तीन ही याद करेंगे तो ये तीन कवर हो जाएगा ऑटोमेटिक, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट होना चाहिए, ठीक है। जैसे साइन बोले आपके दिमाग में तुरंत सेट होना चाहिए कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। जैसे हम कोस थीटा बोले तो कोस का उल्टा सेक होता है, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। उसके बाद जब हम टेन बोले तो टेन का उल्टा कोट होता है, ये भी सेट होना चाहिए सुना, ठीक है। तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है, और उसके बाद कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, ठीक है, और उसके बाद सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो हम फ्रेंड इंग्लिश में पढ़ाएंगे आपको, इंग्लिश में आपको बहुत आसान लगेगा पढ़ने, हिंदी में पढ़िएगा तो ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो इंग्लिश में देखिए इसको, यही इसी फॉर्मूले को पीवीएच फार्मूला हम बना बोलते हैं, पीवीएच फार्मूला। जब आप इसको आराम से याद कर लीजिएगा, पीवीएच फार्मूला, पीवीएच फार्मूला क्या है, पीएच बीएच पीवी, शॉर्ट में सीधा कर रहे हैं पीएच बीएच पीवी, अब कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आसानी से याद हो जाएगा, पीएच बीएच पीवी, पीएच बीएच पीवी, बस याद हो गया। तो इसमें देखिए क्या है, पीएच मतलब पी बटा एच, पी बटा एच आपको दिमाग में सेट है, साइन, साइन के बाद क्या आएगा कोस, सेट हो गया दिमाग में कोस, कोस यानी बी एच, बी बटा एच, ठीक, पीएच पीएच हो गया, ठीक है, उसके बाद बी एच, बी एच मतलब बी बटा एच, ठीक है, कोस आ गया, उसके बाद टेन, टेन कैसे आया पी बटे बी यानी पी बटे बी। तो ये तीनों हो गया तो मत हो गया, इसका ही उल्टा एडजस्ट कर देंगे, कोस कोसेक का एच बटा पी हो जाएगा, कोसेक कोस का सेक होता है तो बी बटा एच हो जाएगा, बी बटा एच ये आप मिटाइए, एच बटा बी हो जाएगा, इसी को उल्टाइए ना, एच बटा बी, फिर उसके बाद बी बटा पी कर दीजिए, बी बटा पी हो गया, पी बी एच फॉर्मूला इसको सीधा बोलते हैं। तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, और इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत हो, ये फार्मूला, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। और ये चीज हम जो ट्रिक बताएं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, ये फार्मूला, ये दो फार्मूला बोलिए, आपका त्रिकोणमित्री में कोई दिक्कत कभी त्रिकोणमित्री में होगा ही नहीं, इतना जान लीजिए, इसका हम गारंटी लेते हैं 100%, ठीक है, 100% गारंटी लेते हैं, आप कभी जिंदगी में भूलिएगा ही नहीं। तो दोस्तों, और ये तो आप पहले याद कर लीजिएगा, आपको एक दिन दो दिन लगे तीन दिन लगे आप कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं हो रहा तो हम आपको और भी कुछ बताएंगे इसके बारे में, ये मेनली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये फिर आपके लिए टास्क रह गया याद करने का ट्रिक, ठीक है। तो मिलते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी गरीब बच्चे हैं सीख नहीं पा रहे हैं, मतलब हिंदी में होता क्या है कि थोड़ा हिंदी थोड़ा पढ़ने में थोड़ा ये लगता है क्या है, तो इंग्लिश में बहुत ही आसान हो जाएगा, इंग्लिश क्या दिक्कत है, परपेंडिकुलर पीएच। तो इसीलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।